Hello student, today we shall discuss about question answers of the poem The Lebanon Top written by Ted Hughes. First of all, we shall do the question and answer of the stanzas. Here are the question and answer of the stanza first. The first question is, name the poem and poet. The name of the poem is Lebanon Top. The name of the poet is Ted Hughes. Question number second is, what has been said about the Lebanon Top? Lebanon Top ke bare mein kya kaha gaya? It is silent and still till the goldfinch comes and lands at the end of a branch. यानी ये जो tree है Lebanon tree, वो तब तक साइलेंट और स्टिल है जब तक कि गोल्ड फिंच आ नहीं जाती और ब्रांच के एक एंड पर लैंड्स नहीं कर जाती, बैठ नहीं जाती. व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? दिन का ये कौन सा समय है? इट इज़ अ सितंबर आफ्टरनून. ये सितंबर महीने की आफ्टरनून है. व्हाट शोज दैट इट इज़ द ऑटम सीजन? क्या चीज़ शो करती है कि ऑटम सीजन था? द लेबनम लीव्स आर येलोइंग. जो लेबनम ट्रीज लीव्स थे, लेबनम ट्री के जो लीव्स थे वो येलो हो रहे थे. एंड इट्स सीड्स हैव फॉलन, और उसके सीड्स फॉलन हो गए थे. व्हाट साउंड डज द गोल्ड फिंच मेक? गोल्ड फिंच कैसी आवाज़ करती है? सी मेक्स अ ट्विचिंग चिरप. वो एक ट्विचिंग चिरप की साउंड निकालती है. वेयर डज द गोल्ड फिंच लैंड? गोल्ड फिंच कहाँ पर बैठ जाती है? व्हाट हैपेंस देन? फिर क्या होता है? सी लैंड्स एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. वो एक ब्रांच के सिरे पर बैठ जाती है. देन सी एंटर्स द डेंस ब्रांचेज. फिर वो उसकी जो गहन ब्रांचेज है उसमें एंटर कर जाती है. एंड देयर इज अ सडन स्टार्टलिंग मूवमेंट इन द ट्री. और उसी समय अचानक ट्री में स्टार्टलिंग सरप्राइजिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. द यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच आर फील्ड विद एक्साइटमेंट. गोल्ड फिंच के जो बच्चे हैं वो एक्साइटमेंट से भर जाते हैं उसको देखकर. एंड कोज दिस कोमोशन. कोमोशन मीन्स ऑफ द नॉइज. और इस प्रकार का शोर शराबा शुरू कर देते हैं. क्वेश्चन फोर, सेकंड स्टैंजास आर, हु डज सी? यहाँ पर सी कौन है? इन दीज लाइन्स रेफर टू. द वर्ड सी रेफर्स टू द गोल्ड फिंच. वर्ड सी गोल्ड फिंच के लिए रेफर करता है. व्हाट हैड सी बीन कंपेयर टू? उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? सी हैज बीन कंपेयर टू अ लिजर्ड. उसको एक लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन? कंपैरिजन क्यों के किस बात पे किया गया? द स्लीक मूवमेंट. यानी क्या चीज को पॉइंट आउट करके कंपैरिजन किया गया? द स्लीक मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजर्ड. यानी गोल्ड फिंच का जो स्लीक स्मूथ मूवमेंट था वो लिजर्ड के मूवमेंट के साथ कंपेयर किया गया. लाइक अ लिजर्ड, एक लिजर्ड की तरह. सी इज अलर्ट एंड अब्रप्ट. वो बिल्कुल अलर्ट और अब्रप्ट है इन हर मूवमेंट, अपने मूवमेंट में. व्हाट डज सी एंटर? तो वो कहाँ पर एंटर करती है? सी एंटर्स द डेंस ब्रांचेस. वो लेबनन ट्री की डेंस ब्रांचेस में एंटर करती है. व्हाट डज मशीन हेयर रेफर टू? यहाँ पर मशीन किसके लिए? इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ गोल्ड फिंच यंग वंस. यानी ये गोल्ड फिंच के जो यंग वंस है, बच्चे है, उनका जो ग्रुप है उसको मशीन कहा गया है. व्हाट मेक्स द ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल? किस चीज ने ट्री को ट्रेम्बल और थ्रिल करवाया? द जॉयफुल मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच यंग वन. गोल्ड फिंच के जो बच्चे हैं उनका जो जॉयफुल मूवमेंट था उसकी वजह से ट्री ट्रेम्बल्स और थ्रिल करता है. क्वेश्चन फोर, स्टैंजा थर्ड आर, हु डू द वर्ड्स सी एंड इट रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन? एंड फर्स्ट लाइन में सी और इट किसके लिए? द वर्ड सी रेफर्स टू द गोल्ड फिंच. सी गोल्ड फिंच के लिए. और द वर्ड इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ अवर यंग वंस. यानी जो उसके जो यंग वंस, उसका जो ग्रुप है उसके लिए इट का यूज किया गया है. व्हाट डज सी डू बिफोर फ्लर्टिंग आउट? बाहर उड़ने से पहले वह क्या करते? सी फीड्स अवर यंग वंस टू देयर फिल. यानी वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाती है. व्हाट साउंड डज सी मेक व्हेन सी फ्लाइज अवे? वो कैसी आवाज करती है जब वो वहां से उड़ जाती है? सी मेक्स डेलिकेट सैड साउंड्स. वो डेलिकेट और सैड साउंड निकालती है. हर चिरप साउंड्स लाइक विस्लिंग विस्पर्स. यानी उसकी चिरप साउंड होती है जैसे विस्लिंग विस्पर्स की तरह, बिल्कुल खामोश. हाउ डज द लेबनम लुक आफ्टर सी हैज फ्लोन अवे? लेबनम
कैसे दिखाई देता जब वो वहाँ से उठ जाती है। इट इज ऑल साइलेंट एंड क्वाइट वंस अगेन, तो जैसे स्टार्टिंग में था वैसे के वैसे फिर ये साइलेंट और क्वाइट हो जाता है एक बार फिर। वट डज द गोल्ड फिंच सिम्बोलाइज इन द पोएम, गोल्ड फिंच किसका सिम्बोलाइज है यानी किसका प्रतीक है। द गोल्ड फिंच इज अ सिम्बल ऑफ लाइफ इन द पोएम, यानी पोएम में गोल्ड फिंच लाइफ का एक सिंबल है। द लेबनम ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल, लेबनम ट्री जो है वो बिल्कुल साइलेंट और स्टिल है। बट इट सीम्स टू कम टू लाइफ विद द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच वहां पर अराइव करती हो तो ऐसा लगता है उसमें जैसे जान आ गई हो। इट इज ड्यूस टू साइलेंस एंड एम्प्टीनेस अगेन आफ्टर द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे, जब गोल्ड फिंच वहाँ से उड़ जाती है तो दोबारा फिर वो एम्प्टीनेस में क्रिएट हो जाता है, साइलेंट में क्रिएट हो जाता है। नाउ वी शैल डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, यानी आपने पोएम की बिगिनिंग और एंडिंग के बारे में क्या नोटिस किया। द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम प्रेजेंट द सेम सीन, एक जैसा सीन प्रेजेंट करती है। द लेबनम टॉप इज ऑल साइलेंट एंड स्टिल एट द बिगिनिंग, लेबनम की जो टॉप थी स्टार्टिंग में साइलेंट और स्टिल थी, और टुवार्ड्स द एंड टू और अंत में भी देर इज नो मूवमेंट इन द ट्री, वृक्ष में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, बर्ड्स के मूवमेंट को गोल्ड फिंच के मूवमेंट को किसके साथ कंपेयर किया गया। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस ऑफ द कंपेरिजन, कंपेरिजन का बेसिस क्या था। द बर्ड्स मूवमेंट हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजर्ड, बर्ड्स के मूवमेंट को लीजर्ड के मूवमेंट के साथ कंपेयर किया गया। लीजर्ड मूव्स इन अ स्लीक मैनर, एक लीजर्ड स्लीक मैनर में मूव करती है। इट्स मूवमेंट इज अलर्ट एंड अब्रप्ट, और उसका मूवमेंट अलर्ट और अब्रप्ट होता है। द बर्ड्स मूवमेंट हैज बीन शोन टू बी एग्जैक्टली द सेम, तो बर्ड्स के मूवमेंट को भी लगभग वैसे ही दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, पोएट के द्वारा इंजन की इमेज क्यों दिखाई गई यहाँ पर। द इंजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन, इंजन जो होता है एनर्जी का एक सोर्स होता है एक मशीन को चलाने के लिए। द गोल्ड फिंच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर फैमिली, गोल्ड फिंच भी अपनी फैमिली के लिए एक एनर्जी का सोर्स है। सी फीड्स हर यंग वंस टू द फील्ड, वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाती है। द पोएट हैज इवोक्ड द इमेज ऑफ द इंजन टू ड्रा द कंपैरिजन, इसलिए पोएट ने ये कंपैरिजन करने के लिए इंजन की इमेज को इवोक किया, यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, आपको पोएम के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। द पोएम क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून, पोएम में ऑटम आफ्टरनून की एक ब्यूटीफुल सी इमेज क्रिएट की गई है। एज वी रीड द पोएम, जैसे हम पोएम को पढ़ते हैं, द होल पिक्चर कम्स अलाइव बिफोर आवर माइंड, यानी पूरी की पूरी पिक्चर हमारी आंखों के सामने अलाइव हो जाती है, जीवित हो जाती है। वी सी द लेबनम टॉप बेथड इन द ब्राइट येल्लो लाइट ऑफ द सन, हम देखते हैं कि कैसे लेबनम ट्री की जो टॉप है वो ब्राइट येल्लो सन की जो लाइट है उसमें नहाई हुई है। द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द गोल्ड फिंच हैव ऑल्सो बीन डिस्क्राइब इन अ पिक्टोरियल मैनर, यानी गोल्ड फिंच के जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं उनको भी पिक्चर के माध्यम से डिस्क्राइब किया गया। वाइल वी आर रीडिंग द पोएम, जब हम पोएम को रीड करते हैं वी फील एज इफ वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे हम क्या देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, व्हाट डज द फ्रेज हर बार फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, यानी हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का क्या मतलब है। द गोल्ड फिंच फेस इज पार्सली कवर्ड विद द लेबनम फ्लावर्स हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, गोल्ड फिंच का जो फेस है वो थोड़ा सा लेबनम के जो फ्लावर्स जो हैंग करते हैं उसके द्वारा कवर्ड है। इट लुक्स लाइक अ मास्क फॉर आइडेंटिटी, ये उसके आइडेंटिटी के लिए एक मास्क का काम करते हैं। एज सी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द लेबनम ट्री, जैसे कि वो लेबनम ट्री का ही एक पार्ट हो। व्हाट शोज दैट इट इज द ऑटम सीजन, क्या चीज से पता चलता है कि ये ऑटम सीजन है। अ फ्यू ऑफ द लेबनम लीव्स आर टर्निंग येल्लो, लेबनम के जो लीव्स हैं वो येल्लो हो रहे हैं। ऑल इट सीड्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड, इसके सभी जो सीड्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं।
ऑल दिस शोज दैट इट इज द ऑटम सीजन, इससे पता चलता है कि एक ऑटम सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट हैपेंस व्हेन द गोल्ड फिंच एंटर्स द थिक ब्रांचेज ऑफ द लेबनम, क्या होता है जब गोल्ड फिंच लेबनम की थिक ब्रांचेज में एंटर करती है। व्हेन द गोल्ड फिंच एंटर्स द थिक ब्रांचेज ऑफ द लेबनम द होल ऑफ हर ब्रूड, ब्रूड मीन्स होता है यंग वंस, स्टार्ट्स चिटरिंग्स। तो जैसे ही गोल्ड फिंच लेबनम ट्री की थिक ब्रांचेज में एंटर करती है तो उसके जो पूरे जो सभी यंग वंस हैं वो चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। देर इज अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स की फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। स्वीट ट्रिलिंग्स आर हियर्ड, यानी उनकी आवाज़ चिटरिंग की आवाज़ या चिरप की आवाज़ सुनाई देती है। द होल ट्री स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग विद अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, पूरे का पूरा जो वृक्ष है खुशी के मारे, खुशी की उत्साहट के साथ ट्रेम्बलिंग करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट साउंड डज सी मेक व्हेन सी फ्लाइज अवे, जब वो वहां से उड़ जाती है कैसी आवाज निकालती है। हाउ डज द लेबनम लुक आफ्टर सी हैज फ्लोन अवे, जब वो उड़ जाती तो लेबनम ट्री कैसा दिखाई देता है। सी मेक्स सैड डेलिकेट विस्लिंग चिरप्स एज इट फ्लाइज अवे, यानी जब वो यहाँ पर इट नहीं है, इट इज सी, यानी जब वो वहाँ से फ्लाइज अवे हो जाती है तो वो सैड डेलिकेट और विस्लिंग की चिरप्स करती है। द लेबनम बिकम्स ऑल क्वाइट एंड साइलेंट, लेबनम दोबारा फिर क्वाइट और साइलेंट उठ जाता है। इट सीम्स एज इफ इट हैज़ बिकम एम्प्टी, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एम्प्टी हो गया। एंड हेयर इज द लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज लास्ट वन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम, पोएम की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें। इन दिस पोएम द पोएट क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून, इस पोएम में पोएट एक ऑटम आफ्टरनून की ब्यूटिफुल सी पिक्चर क्रिएट करता है। द टॉप ऑफ अ लेबनम इज ऑल साइलेंट एंड स्टिल, एक लेबनम की जो टॉप है बिल्कुल साइलेंट है, स्टिल है। द ट्री इज बेथ इन द येलो लाइट ऑफ द सन, जो वृक्ष है सन की येलो लाइट में नहाया हुआ है। द लीव्स ऑफ द ट्री आर येलोइंग, ट्री के लीव्स येलो हो रहे हैं। इट्स सीड्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड, इसके जो सीड्स हैं वो ग्राउंड पे फॉलन हो चुके हैं। अ गोल्ड फिंच कम्स चिरपिंग एंड लैंड सडनली एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, एक गोल्ड फिंच चिरपिंग करते हुए आती है और अचानक इसकी एक ब्रांच के सिरे पर बैठ जाती है। देन विद द अलर्टनेस एंड अब्रप्टनेस ऑफ अ लिजर्ड, और फिर एक लिजर्ड की तरह अलर्टनेस और अब्रप्टनेस के साथ सी एंटर्स द डेंस ब्रांचेज, वो लेबनम ट्री की डेंस ब्रांचेज में एंटर कर जाती है। एट वंस देयर इज अ लॉट ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिलिंग इन द ट्री, उसी समय काफ़ी सारी चिटरिंग और ट्रिलिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स इन अ काइंड ऑफ थ्रिल, पूरे का पूरा वृक्ष खुशी के मारे ट्रेम्बल्स करना शुरू कर देता है। इट इज द यंग ब्रूड ऑफ गोल्ड फिंच, ये यंग गोल्ड फिंच का जो यंग वंस का जो ग्रुप है वो है। दैट हैज कम टू लाइफ ऑन द कमिंग ऑफ देयर मदर, जो जिनके अंदर जान आ गई है दोबारा उनकी मदर के आने पर। द मदर फीड्स ईच वन ऑफ देम टू देयर फील, मदर उन सभी को उनके भरपेट भोजन खिलाती है। देन अगेन सी कम्स आउट टू द एंड ऑफ अ ब्रांच, दोबारा फिर वो एक ब्रांच के एंड पर आ जाती है। एंड फ्लाइज अप इनटू द इन्फिनिट स्काई, और असीमित आकाश में उड़ जाती है। सी मेक्स डेलिकेट विस्लिंग चिरप्स एज सी फ्लाइज अवे, तो जैसे वो वहाँ से उड़ती है तो स्मूथ सी विस्लिंग की चिरप्स की साउंड निकालती है। द ट्री वंस अगेन बिकम साइलेंट एंड स्टिल, तो वृक्ष दोबारा फिर साइलेंट और स्टिल हो जाता है। होप यू हैव seen all the questions and understand them. Thank you. Have a nice day.